एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ दुनिया का नंबर 1 सिक्सर किंग। पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ 21 साल का 360 डिग्री बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार एशिया कप से ठीक पहले पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ है कौन सा 360 डिग्री बल्लेबाज, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल भारत की मेजबानी में वनडे विश्व कप खेला जाना है और वनडे विश्व कप के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हैं। आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप का कार्यक्रम भी सामने आ चुका है, जहां 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। उसके मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में एक युवा सिक्सर किंग बल्लेबाज को शामिल कर लिया गया है। ये खतरनाक खिलाड़ी 360 डिग्री बल्लेबाजी करता है, यानी कि ये खिलाड़ी मैदान की किसी भी दिशा में बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता है। दरअसल पाकिस्तान टीम में कई सारे खतरनाक बल्लेबाज आ चुके हैं। कुछ साल पहले शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान का सिक्सर किंग कहा जाता था। अफरीदी के अलावा कई सारे बल्लेबाज ने पाकिस्तान टीम के लिए फिनिशर का रोल निभाया है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम को अब एक खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है। ये बल्लेबाज मैदान की चारों ओर लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखता है। दरअसल हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के खतरनाक सिक्सर किंग इफ्तिखार अहमद हैं। इफ्तिखार अहमद ने पिछले कुछ समय से क्रिकेट जगत में अपना खौफ पैदा कर दिया है। इफ्तिखार अहमद जब बल्लेबाजी करने क्रीज पर आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। इफ्तिखार अहमद बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े मंच पर अलग ही फॉर्म में होते हैं। आपको बता दें कि इफ्तिखार अहमद वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपके मुताबिक इफ्तिखार अहमद वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।